हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नीट मंत्रा। आई एम प्रिंस शर्मा, योर बायोलॉजी फैकल्टी एंड मेंटर। सो विद दिस वीडियो वी स्टार्ट डे 8 पार्ट 2 ऑफ आर 50 डे क्विक रिवीजन सीरीज। इफ यू मिस्ड आवर प्रीवियस वीडियो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, एंड फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो इन दिस वीडियो वी गोइंग टू डिस्कस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ऑफ चैप्टर एनिमल किंगडम। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच क्लास हैज़ अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स। ऑप्शंस आर फिशेस, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट, मैमल्स। सो विद नो डाउट वी टेक द आंसर इंसेक्ट। इंसेक्ट हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सिलोमेट। ऑप्शंस आर एब्सेंस ऑफ मेसोडर्म, एब्सेंस ऑफ ब्रेन, सिलोम डैट इज इनकम्प्लीटली लाइंड विद अ मेसोडर्म, सॉलिड बॉडी विदाउट अ कैविटी सराउंडिंग इंटरनल ऑर्गन। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, इन ए सिलोमेट देर इज एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी। सो द आंसर इज ऑप्शन डी, सॉलिड बॉडी विदाउट अ कैविटी सराउंडिंग इंटरनल ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव सेलेमेंडर बिलोंग टू क्लास पाइसिस, एवीस, रेप्टाइल्स, एम्फीवियन। सो सेलेमेंडर बिलोंग टू क्लास एम्फीवियंस। सो द आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट। ऑप्शंस आर नेमेटोडा, राउंड वॉर्म, सूडोसिलोमेट, कैल्केरिया, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, सिलोम प्रेजेंट, इकाइनोडर्मेटा, सिलोम प्रेजेंट, वायलेटरल सिमेट्री, प्लैटी हेलमेंथिस, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, फ्लैट वॉर्म, ए सिलोमेट। सो द ऑप्शन ए, सी एंड डी आर एंटायरली करेक्ट, बट द ऑप्शन बी कैल्केरिया आर पोरीफेरा, दे बिलोंग टू पोरीफेरा, एंड इन पोरीफेरा सिलोम इज नॉट प्रेजेंट। तो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फ्लेम सेल आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर फॉर एनेलिडा, सिलेंट्रेट और कोएलेंट्रेट्स, प्लैटी हेलमेंथिस, इकाइनोडर्मेटा। आंसर इज प्लैटी हेलमेंथिस। फ्लेम सेल आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन प्लैटी हेलमेंथिस। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फाइलम पोरीफेरा इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन ब्रांचिंग, सिमेट्री, स्पीक्यूल्स, रिप्रोडक्शन। सो वी क्लासीफाई पोरीफेरा ऑन द बेसिस ऑफ स्पीक्यूल्स। सो द आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेस डेवलप ड्यू टू पोरस वॉल, गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्शन, फोल्डिंग ऑफ इनर वॉल। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, इन स्पॉन्जेस कैनाल सिस्टम डेवलप ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ इनर वॉल्स। सो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव सेलेक्ट द करेक्ट पेयर। ऑप्शन आर आर्थोपोडा सिल्वर फिश, पाइसिस और पीसिस, जेलीफिश, इकाइनोडर्मेटा कटल फिश, मोलस्का स्टार फिश। इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्योंकि जेलीफिश पाइसिस में नहीं आती, कटल फिश इकाइनोडर्मेटा में नहीं आता और स्टार फिश मोलस्का में नहीं प्रेजेंट होते। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव विच ग्रुप डज नॉट कंटेन पॉलिप। ऑप्शन एंथोजोआ, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ एंड ऑप्शन डी कैल्केरिया। सो एंथोजोआ, हाइड्रोजोआ एंड स्काइफोजोआ आर निडेरियंस एंड पॉलिप इज प्रेजेंट इन निडेरियन, बट कैल्केरिया इज अ पोरीफेरा ग्रुप। सो द आंसर इज कैल्केरिया, पॉलिप इज एब्सेंट इन कैल्केरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव एस्केरिस इज कैरेक्टराइज बाय। एस्केरिस को हम कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं? प्रेजेंस ऑफ ट्रू सिलोमेट एंड मेटामेरिज्म, प्रेजेंस ऑफ ट्रू सिलोम बट एब्सेंस ऑफ मेटामेरिज्म, एब्सेंस ऑफ ट्रू सिलोम एंड मेटामेरिज्म, एब्सेंस ऑफ ट्रू सिलोम बट प्रेजेंस ऑफ मेटामेरिज्म। तो देखिए, एस्केरिस में ना तो ट्रू सिलोम होती है ना मेटामेरिज्म होता है, तो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव निडेरिया इज कैरेक्टराइज बाय। निडेरिया को हम कैसे, उसके कैरेक्टर बताते हैं हम उसके? ऑप्शन है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, निमेटोब्लास्ट, कोलेंट्रीरोन। तो देखिए, ये तीनों ही क्वालिटीज निडेरिया में प्रेजेंट होती हैं, तो आपका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव नोटोकॉर्ड अकर थ्रू आउट लाइफ एंड ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ द बॉडी इन। नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ के दौरान प्रेजेंट होता है और पूरी बॉडी की लेंथ में होता है। ऑप्शन है आपके सिफेलोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। तो हेमिकॉर्डेटा तो कॉर्डेटा से बाहर हो गया, तो वहाँ तो नोटोकॉर्ड का सवाल ही नहीं है। यूरोकॉर्डेटा में सिर्फ लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होता है और वर्टिब्रेटा में बाद में ये
बोनी स्ट्रक्चर वर्टिबल कॉलम में बदल जाता है। तो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन ए सिफेलोकोडेटा, जिसमें नोटोकोड परसिस्ट करता है थ्रू आउट लाइफ एंड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन है हमारा, पेरिप्लेनेटा बिलोंग टू विच फाइलम। तो पेरिप्लेनेटा कॉकरोच को बोलते हैं और कॉकरोच बिलोंग करता है आर्थ्रोपोडा को। तो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन बी आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट टिपिकल टू क्लास मैमेलिया। इन चार ऑप्शन में से कौन सा कैरेक्टर मैमेलिया में नहीं पाया जाता आमतौर पर। ऑप्शन देखते हैं हम, एल्वियोलर लंग्स, सेवन सर्वाइकल वर्टिब्रे, थीकोडोन डेंटिशन। ऑप्शन डी है 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व। तो मैमल्स में टिपिकली 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन सिलेंट्रेट एंड प्लैटीहेल्मिंथीज, सिलेंट्रेटा एंड इकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, पोरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा। तो देखिए, रेडियल सिमेट्री आपके पाए जाते हैं सिलेंट्रेटा एंड इकाइनोडर्मेटा में। तो आंसर जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ हॉर्स। ऑप्शंस है पेरिसोडैक्टिलिया, कैबेलस, फेरस, इक्विडे। तो ये आपको याद करने वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन ए पेरिसोडैक्टिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, मेल्फीजियन ट्यूब्यूल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ एनिलिड्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ एनिलिड्स। पहली बात, मेल्फीजियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, और दूसरी बात, ये पाए जाते हैं इंसेक्ट में। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्शुअल मीन। इन चारों में से किसमें सिर्फ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज एबसेंट। ऑप्शन है निडेरिया, पोरीफेरा, प्रोटोजोआ, टीनोफोरा। तो देखिए, निडेरिया, पोरीफेरा और प्रोटोजोआ तीनों में ही सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा, पर टीनोफोरा में आपको सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन डी। क्रोकोडाइल एंड पेंगुइन आर सिमिलर टू वेल एंड डॉगफिश इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर। क्रोकोडाइल और पेंगुइन किस तरीके से सिमिलर हैं वेल और डॉगफिश के। ऑप्शंस है पोजेसिस अ सॉलिड सिंगल स्ट्रैंडेड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ले एग एंड गार्ड देम टिल दे हैच, पोजेसिस बोनी स्केलेटन, हैव गिल स्लिट एट सम स्टेज। तो देखिए, क्रोकोडाइल, पेंगुइन, वेल और डॉगफिश में एक ही सिमिलैरिटी पाई जाएगी, और वो है कि उनके किस ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल के या लाइफ स्पैन के दौरान कभी भी उनमें क्या है, गिल स्लिट शो होंगे। तो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेटाजेनेसिस रेफर टू अकरेंस ऑफ ड्रास्टिक चेंजेस इन फॉर्म ड्यूरिंग पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, प्रेजेंस ऑफ अ सेगमेंटेड बॉडी एंड पार्थेनोजेनेटिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मॉर्फिक फॉर्म, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो देखिए, मेटाजेनेसिस पाया जाता है आपके सिलेंट्रेट या कोइलेंट्रेट्स में, और इसमें क्या होता है कि पॉलिप और मेडुसा के बीच में अल्टरेशन ऑफ जनरेशन होता है, और ये आपको देखने को मिलेगा ओबिलिया में, एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है। तो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन फाइलम आर्थ्रोपोडा। इन चारों में से कौन सा आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट नहीं होता। ऑप्शंस है पारापोडिया या पैरापोडिया, जॉइंटेड अपेंडेजेस, काइटनस एक्सोस्केलेटन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो देखिए, बी, सी और डी, ये तीनों ही आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं। पैरापोडिया एनेलिडा का कैरेक्टर है। तो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ पोरीफेरन द स्पॉन्जोसील इज लाइंड विद फ्लैजिलेटेड सेल कोल्ड। तो जो पोरीफेरा है उनमें जो स्पॉन्जोसील होती है उनको जो सेल लाइन करते हैं उनका नाम बताना है हमको। तो ऑप्शंस हैं ऑस्कुला, चेनोसाइट्स, मेसेनकाइमल सेल, ऑस्टिया। आंसर जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शार्क एंड डॉगफिश डिफर फ्रॉम स्केट्स एंड रे बिकॉज। शार्क और डॉगफिश स्केट्स और रे से कैसे डिफर करती हैं वो बताना है हमें। ऑप्शंस हैं आपके, गिल स्लिट्स आर वेंट्रली प्लेस्ड, हेड एंड ट्रंक आर वाइडेंड कंसिडरेबली, डिस्टिंक्ट डिमेरिकेशन बिटवीन बॉडी एंड टेल, देयर पेक्टोरल फिन्स डिस्टिंक्टली मार्क्ड ऑफ फ्रॉम देयर सिलेंड्रिकल बॉडीज। तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन डी, जो उनके पेक्टोरल फिन्स होते हैं वो डिस्टिंक्टली मार्क्ड ऑफ होते हैं सिलेंड्रिकल बॉडीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ जॉलेस फिश विच लेज एग इन फ्रेश वाटर एंड हुज एमोक्वेटस लार्वा
आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन इज, ऑप्शन है नियोमिक्सिन, पटेरोमाइजोन, इपेटोट्रेटस मिक्सिन। आंसर जाएगा आपका ऑप्शन बी। एनसीईआरटी में ये मेंशनड है, नाम लेके मेंशन नहीं है पर इसके बारे में जो जानकारी लिखी हुई है उसमें ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडो पैरासाइट ऑफ ह्यूमन डस शो विविपैरिटी, कौन सा इनमें से एंडो पैरासाइट है जो विविपैरिटी शो करता है। ऑप्शन है ट्राइकिनेला, एस्केरिस, एनसाइक्लोस्टोमा, एंटेरोबियस। तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन ए ट्राइकिनेला स्पायरलिस। ये एक बीमारी करता है जिसको बोलते हैं ट्राइकियोनोसिस, इसको कॉमनली पॉक वॉर्म भी बोला जाता है क्योंकि ये एनकाउंटर होता है अंडर कुक्ड पॉक प्रोडक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम एनेलिडा, ऑप्शन आर सूडोसिलोम, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, सेगमेंटेशन। तो देखिए बी सी और डी ये तीनों ही आपको एनेलिडा में देखने को मिलेगा, पर एनेलिडा सिलोमेट्स होते हैं, सूडोसिलोमेट्स नहीं होते। तो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, प्लेनेरिया पोजेसेस हाई कैपेसिटी ऑफ मेटामॉर्फोसिस, रीजनरेशन, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, बायोल्यूमिनेंस। तो देखिए हम सब जानते हैं प्लेनेरिया में हाई रीजनरेशन पावर होती है, तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट वी हैव, व्हाट विल यू लुक टू फॉर टू आइडेंटिफाई द सेक्स ऑफ फॉलोइंग। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में तीन ऑप्शन गलत होते हैं, एक सही होता है, हमें एक सही ऑप्शन क्या है ढूंढना होता है। फीमेल एस्केरिस शार्पली कर्व्ड पोस्टीरियर एंड, ये ऑप्शन गलत है आपका क्योंकि मेल एस्केरिस में शार्पली कर्व्ड एंड होता है। मेल फ्रॉग अ कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ हाइंड लिम्स, तो हाइंड लिम्स में प्रेजेंट नहीं होता है इसलिए ये ऑप्शन भी क्या है गलत है। नेक्स्ट वी हैव, फीमेल कॉकरोच एनल सरकाई या सरसाई, तो देखिए एनल सरसाई या सरकाई मेल और फीमेल दोनों में ही प्रेजेंट होती हैं तो इससे भी हम सेक्स नहीं बता सकते, तो ये भी गलत है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच गया, मेल शार्क क्लैस्पर बोन ऑन पेल्विक फिन, तो मेल शार्क में जो क्लैस्पर होते हैं वो पेल्विक फिन पे पाए जाते हैं, ये सही स्टेटमेंट है। तो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेटर एक्ट एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट इन ह्यूमन मेल, ह्यूमन फीमेल, बोथ मेल एंड फीमेल फ्रॉग, मेल फ्रॉग्स। तो आंसर जाएगा आपका इसका ऑप्शन डी, यूरेटर मेल फ्रॉग में एज अ यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्टन गिवन एनिमल्स इज करेक्ट, फिर से तीन स्टेटमेंट गलत होंगी और एक सही होगी वो हमें पता करना है। राउंड वॉर्म और एस्के हेलमेंटिस आर सीडोसिलोमेट, तो हमें पहली स्टेटमेंट पढ़ के पता चल गया कि ये क्या है सही है, आंसर तो इसका ऑप्शन ए जाएगा, पर फिर भी हमें सारे ऑप्शन चेक करने चाहिए। मोलस्क आर एसिलोमेट, गलत है। इंसेक्ट आर सूडोसिलोमेट, ये भी गलत है। फ्लैटफॉर्म या फ्लैटी हेलमेंथिस सिलोमेट है, ये भी गलत है। नेक्स्ट वी हैव, वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी यूनिक फीचर ऑफ मैमिलियन बॉडी, होम्योथर्मी, प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम, फोर चैम्बर्ड हर्ट, रिब केज। तो होम्योथर्मी में हम क्या है अपना जो टेम्परेचर का रेगुलेशन करते हैं उसको होम्योथर्मी बोलते हैं, फोर चैम्बर्ड हार्ट आप समझ ही गए होंगे, रिब केज आप समझ ही गए होंगे। तो मैमल में एक एक्सक्लूसिव फीचर होता है जिसको बोलते हैं डायफ्राम, तो डायफ्राम का प्रेजेंस मैमल में एक बिल्कुल ही यूनिक एक्सक्लूसिव फीचर है। तो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमेटीडिया सर्व द पर्पस ऑफ फोटो रिसेप्टर इन और फोटो रिसेप्शन इन, ऑप्शन है कॉकरोच, फ्रॉग, ह्यूमन, सनफ्लावर। तो आंसर जाएगा आपका कॉकरोच, कॉकरोच में ओमेटीडिया प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव यूरिकोटेलिज्म इज फाउंड इन, यूरिकोटेलिज्म मीन्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड है आपका, मैमल्स एंड बर्ड, फिश एंड फ्रेश वाटर प्रोटोजोन, बर्ड, लैंड रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट, फ्रॉग एंड टॉड्स। तो इसका आंसर जाएगा आपका बर्ड, लैंड रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट, इनमें यूरिकोटेलिज्म आपका देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरल सिमेट्री, ट्रू सिलोमेट विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। तो ये तीन फीचर है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एनिमल ग्रुप विच पोजेसिस ऑल द अबव कैरेक्टर्स। तो हमें नीचे चार ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन टिक करना है जिसमें ये तीनों कैरेक्टर पाए जाते हों। तो ऑप्शन है हमारे पास एनेलिडा आर्थ्रोपोडा कॉर्डेटा, एनेलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का,
आर्थ्रोपोडा मोलस्का कॉर्डेटा एनेलिडा मोलस्का कॉर्डेटा। तो देखिए ये जो तीनों ही फीचर हैं वो आपके पाए जाएंगे एनेलिडा आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा में, तो आपका जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव सेलेक्ट द टैक्सोन मेंशन दैट रिप्रेजेंट बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर स्पीसीज। ऐसा टैक्सोन बताना है जिसमें मैराइन और फ्रेश वाटर स्पीसीज दोनों पाई जाती हों। तो ऑप्शन से आपके इकाइनोडर्म्स, टीनोफोरा, सिफेलोकॉर्डेटा, ऑप्शन डी निडेरिया। तो देखिए इकाइनोडर्म्स, टीनोफोरा एंड सिफेलोकॉर्डेटा तीनों ही क्या है, एक्सक्लूसिवली आपके क्या है मैराइन है, तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन डी निडेरिया। इसमें मैराइन एंड फ्रेश वाटर स्पीसीज दोनों पाई जाती हैं। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज ट्रू अबाउट नेरिस, स्कॉर्पियन, कॉकरोच एंड सिल्वर फिश। ऑप्शन हैं दे ऑल पोजेसेस डोर्सल हट, नन ऑफ देम इज एक्वेटिक, दे ऑल बिलोंग टू द सेम फाइलम, दे ऑल हैव जॉइंटेड पेयर अपेंडेजेस। तो देखिए ऑप्शन डी भी गलत है, सब में जॉइंट पेयर अपेंडेजेस नहीं पाया जाएगा, सेम फाइलम से भी नहीं है, और नेरिस एक्वेटिक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन ए, दे ऑल पोजेसेस डोर्सल हट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फेरेटिमा एंड इट्स क्लोज रिलेटिव डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम। जो फेरेटिमा है और उसके क्लोज रिलेटिव है नरिशमेंट कहाँ से डिराइव करते हैं, शुगर केन रूट्स, डिकिंग फॉलन लीव्स एंड सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल इंसेक्ट, स्मॉल पीसीज ऑफ फ्रेश फॉलन लीव्स ऑफ मेज। तो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन बी, जो फेरेटिमा और उसके क्लोज रिलेटिव है वो फॉलन लीव्स और सॉइल ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर विदाउट एन एक्सेप्शन। तो ग्रुप दिए हुए हैं, इनके कुछ फीचर दिए हुए हैं और वो विदाउट एक्सेप्शन क्या है प्रेजेंट होने चाहिए। रेप्टीलिया पोजेसिस थ्री चैम्बर्ड हर्ट विद इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल। तो देखिए रेप्टीलिया में आपका एक क्रोकोडाइल आ जाता है जिसमें फोर चैम्बर्ड हर्ट रहते हैं, तो एक्सेप्शन हो गया। कॉर्डेटा पोजेसिस अ माउथ विद अपर एंड लोअर जो, तो कॉर्डेटा में जो प्रेजेंट हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसे ग्रुप वहाँ पे हैं जहाँ पे जो नहीं है। कॉन्ड्रिक थाइस पोजेसिस कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, ये सही हो सकता है। मैमेलिया गिव बर्थ टू यंग वन, इसमें भी एक एक्सेप्शन है प्लेटिपस जो कि क्या है अंडे देता है, ओविपेरस है, विविपेरस नहीं है। तो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव बायलेटरल रेडियल सिमेट्री एंड लैक ऑफ नाइडोब्लास्ट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। हाइड्रा एंड स्टारफिश, स्टारफिश एंड सी एनिमोन, टीनोप्लेना एंड विरोए, ओरेलिया एंड पैरामीशियम। तो देखिए बायलेटरल सिमेट्री आपकी मिलेगी टीनोप्लेना और विरोए में, ये टीनोफोरा फाइलम से हैं आपके और इनमें नाइडोब्लास्ट सेल भी नहीं होगा। तो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड एंड मैमल्स। बर्ड एंड मैमल में कौन सी कॉमन बात नहीं है ये हमें बताना। ऑप्शन है विविपेरिटी, वार्म ब्लडेड नेचर, ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन, ब्रीथिंग यूजिंग लंग्स। तो देखिए बी सी और डी कॉमन बात है, वार्म ब्लडेड भी होते हैं, ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन भी होता है और लंग से ब्रीथ करते हैं। बस बर्ड्स क्या है अंडे देते हैं और मैमल्स डायरेक्टली यंग वंस को देते हैं, तो मैमल्स क्या है विविपेरस है और बर्ड्स क्या है ओविपेरस है। तो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑन 9th जून वी विल डिस्कस ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, एंड इफ यू लाइक आवर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल नीट मंत्रा फॉर योर क्विक रिवीजन ऑफ बायोलॉजी विद हैंड रिटन नोट्स। थैंक यू।